नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड हिंसा पर दिया बड़ा बयान, कहा एक महीने में एसआईटी पूरी करेगी जांच। नागालैंड हिंसा की पूर्वोत्तर में तैनात सेना के मेजर जनरल रैंक के अफसर करेंगे जांच। सीएम रियो ने अफस्पा कानून हटाने की मांग उठाई। चंडीगढ़ में खुला अमरिंदर सिंह की पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस का दफ्तर, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड से छीना नंबर एक का ताज, टेस्ट सीरीज जीतकर शीर्ष पर पहुंची। वसीम रिजवी बने जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, दासना देवी मंदिर के यति नरसिंहानंद ने कराया सनातन धर्म में शामिल। दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़ से निपटने के लिए लागू होगी विशेष नीति, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। विराट कोहली 300 रनों के अधिक अंतर से सबसे ज्यादा टेस्ट जीतने वाले दुनिया के पहले कप्तान, रनों के हिसाब से भारत की अब तक की सबसे बड़ी टेस्ट जीत। भारत और रूस के बीच AK-203 राइफल सौदे पर लगी मोहर, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने किए हस्ताक्षर। एयर इंडिया के कायापलट करने की पूरी तैयारी, टाटा समूह ने 100 दिन की कार्य योजना में बनाई खास रणनीति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओमिक्रॉन से निपटने के लिए की बड़ी तैयारी, टीकाकरण सामान्य और आईसीयू बेड के साथ दवाओं के इंतजाम को दिए निर्देश। शेयर बाजार में आया भूचाल, सेंसेक्स 900 अंक टूटा, निफ्टी 17,000 से नीचे। श्री कृष्ण जन्मस्थान व ईदगाह की सुरक्षा पर नजर, मथुरा जिले की सीमाएं सील, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात, हिरासत में लिए गए कांग्रेस के जिलाध्यक्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर बोली मायावती, सड़कों पर उतरने से नहीं, सत्ता परिवर्तन से बनेगी बात। सहारनपुर में जय श्री राम का नारा लगाने वाला मुस्लिम युवक बोला, नहीं किया कोई गुनाह, समर्थन में आया बजरंग दल, उलमा ने जताया ऐतराज। मेरठ के दबथुआ में ऐतिहासिक होगी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल की संकल्प रैली। इन लोगों का भाजपा का यहाँ से सुपड़ा साफ होने वाला। अच्छा, जिस तरह से पूर्व आईपीएस मनोज झा और मेरठ के सौरभ जैन ने लखनऊ में थामा भाजपा का दामन, किरण जाटव, मनीषा सिंह, शबाना खंडेलवाल के साथ जितेंद्र झा ने ली भाजपा की सदस्यता। साल के जाते जाते सुष्मिता सेन ने दी गुड न्यूज, बॉयफ्रेंड और बेटियों के साथ मना रही हैं जश्न। रालोद और सपा ने सीट बंटवारे को लेकर अभी तक नहीं किया कोई औपचारिक ऐलान, चौधरी जयंत ने किया इशारा, वह 7 दिसंबर को देंगे खास संदेश। अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, बोले भाजपा के कुछ खास नेता सपा में आने को बेताब, लेकिन उन्हें हम शामिल नहीं करेंगे। गोरखपुर में साल 1990 से बंद है फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया का खाद कारखाना, 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे लोकार्पण, करोड़ों लोगों को मिलेगा फायदा।